भोजपुरी में एक गाना है, सखी सैया खूब कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। और इसी महंगाई की मार पूरा देश झेल रहा है। आपके काम के आय को बढ़ाने के लिए बजाय घटा दिया जाए, और जब महंगाई चरम सीमा पर हो तो क्या वह काम सही तरीके और खाली पेट कर पाएंगे? यह सवाल खड़ा किया है शिक्षकों ने। शिक्षकों ने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए चास के रामरुद्र प्लस टू हाई स्कूल के प्रबंधक एवं झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग पर सवाल खड़ा किया है। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि उनको झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के तहत ली जाने वाली इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपी के जांच में उनको सही मानदेय नहीं दिया जा रहा। उनका कहना है कि हम पहले कॉपी जांच में 20 रुपए प्रति कॉपी के मानदेय के तौर पर मिलता था, उसे घटाकर अब 10 रुपए कर दिया गया है। जिस तरह से अभी महंगाई पूरे चरम सीमा पर है, उस पर 20 रुपए प्रति मानदेय के जगह उसे बढ़ाकर 30 करने चाहिए थे, लेकिन इसे घटाकर 10 रुपए कर दिया गया है, जो सही नहीं है। इतना ही नहीं, शिक्षकों ने यह भी कहा कि उन्हें 70 कॉपी प्रतिदिन जांच के बजाय 50 कॉपियां कर दिया जाए। वहीं स्कूल में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं होने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शौचालय और पेयजल तथा स्कूल में पीउन की भी व्यवस्था नहीं है। शिक्षक खुद ही कॉपियों में बंडल को उठाकर यहां से वहां ले जा रहे हैं। शिक्षकों ने अपने ऊपर हो रहे इस अत्याचार के विरोध में स्कूल परिसर में ही धरने पर बैठ गए और उचित मानदेय की मांग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम कलम बंद आंदोलन करेंगे। बैठे हैं कि आज सुबह जो हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर पता चला कि मूल्यांकन कार्य में जो कॉपी जो राशि दी जा रही थी वो भी कम कर दी गई। पहले तो ये पता चला 20 रुपए मिलेगा, यहाँ की जो हेड है वो खुद बोली थी 20 रुपए, और अब वो कह रही हैं कि नहीं, ये 10 रुपए किया जा रहा है। और 10 रुपए किया जा रहा है, क्या आज 10 रुपए का कोई वैल्यू है? सुबह से लेकर शाम तक यहाँ गर्मी में हम लोग चेक कर रहे हैं। और एक और बात है, यहाँ पर कॉपी जो है वो 70 कॉपियाँ एक दिन में जांचना, एक दिन में 70 कॉपी जांचना जो है वो सबसे मुश्किल कार्य है, वो पॉसिबल सभी से नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ हमारे पास क्या है कि वही 10 रुपए इसकी मांग को लेकर कि आप इतना कम क्यों कर रहे हैं, शिक्षकों का शोषण क्यों किया जा रहा है हर जगह पर? जितनी महंगाई हो रही है तो महंगाई के साथ बढ़ना चाहिए कि या उसे घटा देना चाहिए? आप सीबीएसई पैटर्न लागू कर रहे हैं, क्या सीबीएसई पैटर्न में शिक्षकों का जो मूल्यांकन का जो राशि दिया जाता है उसे आप लागू कर रहे हैं? तो इस तरह से ये मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे। दूसरा, यहाँ पर कुछ जो महिलाओं की जो सुविधाएं हैं, महिलाओं को जितना भी कॉपी जो है वो अपने से पूरा बंडल उठा के ले जाना पड़ रहा है। यहाँ पे कोई भी प्यून की सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा सही से नहीं है, जिससे हम लोगों को परेशानी होती है। अगर आपकी मांग को नहीं माना जाता फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, कलमबद्ध हड़ताल। क्या नाम हो गया? शादाब तरंग। इंटरमीडिएट उत्तर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन की राशि पूर्व में थी 20 रुपये, उसे घटाकर 10 रुपये कर दिया गया है। पहला कारण, महंगाई को देखते हुए इसे 20 के स्थान पर 30 होना चाहिए, न कि और घटाकर 10। दूसरा परेशानी है कि ये मॉडल स्कूल के नाम पर रामरुद्रा हाई स्कूल को बोकारो जिले का मॉडल स्कूल बनाया गया है, लेकिन सुविधा के नाम पर बिल्कुल नगण्य सुविधा दी गई है। न तो यहाँ प्यून है, न कोई स्टाफ है, यहाँ तक कि महिलाओं को, महिला टीचरों को भी कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। इसलिए आज के इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग माननीय जैक के अध्यक्ष शिक्षाविद डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी को एक संदेश देना चाहते हैं कि महोदय, आप हमारी पीड़ा की सुध लीजिए, और जो मूल्यांकन की राशि है वो 20 नहीं बल्कि उसको 30 कीजिए, क्योंकि महंगाई चरम पर है और काम भी हमको उतना ही करना पड़ रहा है। इसलिए आप हमारी मांग को सुने और वोल्टेज को भी बढ़ाएं, ठीक है? और 70 कॉपी नहीं चलेगा, 70 कॉपी खाली रूम में बैठ के नियम बना देने से नहीं होगा। यहाँ बैठ के एक दिन कॉपी देख लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। 70 कॉपी नहीं, उसको 50 कॉपी किया जाए, ठीक है? 40 के बजाय पिछले बार हमने 40 भी किए हैं। रिजल्ट अच्छा हो, जल्दी हो, झारखंड अच्छा राज्य के श्रेणी में आए, हम शिक्षक लोग सदा ऐसा काम किए हैं। आज हमको सम्मान के बजाय अपमानित किया जा रहा है।
ये कैसा झारखंड का गठन मन हेमंत जी कर रहे हैं। इसलिए हम शिक्षकों के माध्यम से, हम पूरा धरना कार्यक्रम के माध्यम से माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी को संदेश देना चाहते हैं कि महोदय आप हम शिक्षकों का शोषण करना बंद करें और आप हमारी पीड़ा का तुरंत सुध लें और कल ही इसका विज्ञप्ति निकालें। इसका अगर आपकी मांग को माना नहीं जाता तो क्या आप करेंगे? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए विचार करेंगे। क्या नाम होगी आपका? मेरा नाम भोला प्रसाद दत्ता, प्रदेश प्रवक्ता, वित्त रहित झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा।